नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सीजीपीएससी प्री और अन्य परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिएगा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भारतीय इतिहास से संबंधित जो सिलेबस है उसको कई भाग में तोड़ा है। जैसे प्राचीन इतिहास की मैं बात करूं, उसको हमने 3 भाग में तोड़ा, मध्य को हमने 2 भाग में तोड़ा है और आधुनिक को 5 भागों में। और आज मैं इस वीडियो में लगभग पूरे भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछने वाला हूं या आपसे साझा करने वाला हूं। और हफ्ते में 2 बार हमारे जो वीडियो होंगे वो टॉपिक दर टॉपिक आएंगे। जैसे मैं बात करूं, जो पहला टॉपिक है आपका क्या, पहला हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, मगध का उदय और उसके बाद मौर्य से समथिंग जानकारी। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या आगे भाग में टूटा हुआ, शुंग, सातवाहन, विदेशी आक्रमण, गुप्त और गुप्त वकटक आदि। फिर उसके बाद बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं क्या भारतीय इतिहास, इसका भाग 3। और इसमें देखिएगा, ये मुख्य परीक्षा में नहीं, जिसमें स्टार बना हुआ है उसको आप याद रखिएगा, ये मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या है, पढ़ने पड़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये भी प्री वाले में हम कवर कर लेंगे वीडियो वाइज। फिर उसके बाद अगर देखें तो मध्यकाल में है इस्लाम धर्म का उदय, मुस्लिम आक्रमण, तो ये दोनों टॉपिक जो है मुख्य परीक्षा में डायरेक्टली नहीं लिखे गए, लेकिन यहां से प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, तो इसका भाग 2 अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे विजयनगर, क्षेत्रीय राजवंश जिसमें जौनपुर, बंगाल, गुजरात, इसके बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और मराठों का अभ्युदय, इसमें हम केवल शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर अगर बात करें आधुनिक भारत के सिलेबस की, तो मुख्य परीक्षा में कुछ इस प्रकार के सिलेबस है, यूरोपीय का आगमन, फिर उनकी सर्वोच्चता, फिर उसके बाद देखेंगे क्या ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और युद्ध कूटनीति, तो इसमें आप देखेंगे बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, और यहां पर जब मराठा पढ़ेंगे तो यहां केवल पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां सिंध, पंजाब, फिर नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान में इन्होंने अभियान जो किया था उनके बारे में हमको पढ़ना है। दूसरे जो चैप्टर होगा, दूसरा जो दिन होगा या दूसरा जो वीडियो आएगा, उसमें हम इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भू राजस्व पद्धति, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, फिर रियासतों के साथ इनका कैसा संबंध रहा ब्रिटिशों का, फिर उसके बाद रेलों का विकास कैसा था, औद्योगिकरण क्या था, तो इसमें हम लोग देखेंगे मजदूरों से संबंधित जो एक्ट थे उनके बारे में क्या बोला गया, रेलों का विकास क्यों, कैसे, किनके किनके समय हुआ, ये सब कुछ देखेंगे। फिर उसके अगले वाले भाग में संवैधानिक विकास, फिर सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित इसमें देखेंगे, और दलित और मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हम इसमें कवर करेंगे। तो जो भाग आपका आते जाएगा, तो मेरी कोशिश ये है कि आप ये टॉपिक्स को नोट कर ले। मेरी वीडियो जो है हफ्ते में 2 बार आएंगी और हर सेक्शन से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, और ये ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, और एग्जाम होने में तो अभी भाई पता ही नहीं है कब होने वाला है हमारा एग्जाम। तो एग्जाम की तैयारी तक पूरे भारतीय इतिहास को हम ऐसे ही रेडी कर सकते हैं। एक साथ ही जब आप तैयार करोगे तो मैंने जो सिलेबस हमने यहाँ पर रखा है वो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर रखा है, ताकि जब आप पढ़ो तो आपकी मुख्य परीक्षा भी तैयारी जो है साथ ही साथ होती चली जाए। आगे अगले भाग में देखें तो 1857 की क्रांति से लेकर होम रूल आंदोलन तक की कहानी लिखी हुई है। जब इस वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो यहां से लेकर पूरे यहां तक के और सभी टॉपिक से मैं यहां पर प्रश्न उठाऊंगा, नवीनतम प्रश्न भी उसमें शामिल होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न भी यहां पर होंगे, व्यापम में भी और सीजीपीएससी में भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5वां भाग है, गांधीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर, किसान और आदिवासी आंदोलन, फिर देखते हैं क्या है आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता व भारत का विभाजन और रियासतों का विलीनीकरण। तो ये पूरा मैंने इतने भागों में तोड़ा है, प्राचीन को 3, मध्य भारत को 2 और आधुनिक को 5, तो लगभग 10 भाग है। 10 से हर 2 दिन में आपको 2-2 वीडियो आपको देखेंगे, मतलब वीक में आप ये मान के चलिएगा 2 वीडियो आएंगे और हर टॉपिक से। तो ये ध्यान देते रहिएगा, आप अपनी तैयारी भी करते रहें, एक रीड कर लें 2 दिन में, और जब ये वीडियो आए अब तक तो आप कोशिश करिएगा पहले से आंसर लगाने की, ठीक, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल भवन तक तो ठीक है, लेकिन इनके मंदिर नहीं होते थे भाई, इनके पास मंदिर नहीं थे। फिर वे केवल देवी देवताओं की पूजा करते थे, केवल लिखा है, ध्यान रखिएगा केवल, तो केवल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, फिर पशुओं की पूजा करते थे, वृक्ष जैसे पीपल वृक्ष का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व था, तो यहाँ पर केवल वर्ड के कारण हमने इस पॉइंट को हटा दिया। फिर युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, भाई ये तो युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं लगते थे,
घोड़े और रथ तो यहां से मिले ही नहीं, ठीक। तो यहां पर क्या है, कौन सा सही है? तो सही तो कोई भी नहीं है, तो भाई कोई भी सही नहीं है, क्या जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, एक तरफ समय लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, उनसे संबंधित कुछ जानकारी लिखी हुई है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाए तो ये नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय प्रणाली या नगर, ठीक। दूसरा देखते हैं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आप ध्यान रखना कि जो आर्य थे, प्रारंभिक आर्य, वो क्या थे, चारागाह या पशुचारण अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अगर जाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, कृषक। इस समय तक ये क्या बन जाएंगे, लोहे की खोज हो जाएगी और ये मुख्य रूप से कृषक बन जाएंगे। फिर मध्य काल में आपकी चालू होगी क्या, जमींदारी प्रथा, ठीक है। तो देखते हैं एक का चार, तो एक का चार कहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां दिखाई दे रहा है, और यहां दो का क्या होना चाहिए, उत्तर वैदिक कृषक। तो आपको ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि देखो वैदिक आर्य ना, वैदिक काल में आर्य जो हमारा वैदिक काल है, इसको हम क्या करते हैं, दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक कहलाता है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यहां क्या था, पशुपालक थे ये लोग, ठीक है। और इस समय तक प्रमुख पेशा क्या हो जाएगा, कृषि। तो इस समय की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला यहां पर, ऋग्वेद में गाय का अनेक बार संदर्भ है, बिल्कुल। तो पशुचारी थे, बिल्कुल थे। दूसरा गायों के लिए युद्ध होते थे, तो यहां पर गायों के लिए युद्ध होते थे। पुरोहितों को दान में दिया जाने वाला जो उपहार होता था वो प्रमुखता क्या होती थी, गाय होती थी। तो ये भी सत्य है। तो तीनों के तीनों पॉइंटों से हमको समझ में आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो आ रहे थे वो पशुपालक थे या पशुचारी लोग थे। क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है। देखते हैं, तप और भोग की अति का परिहार किया, मतलब उसको पालन किया। किसको किसको, तप और भोग को। तो एक बात बताओ, बौद्ध धर्म तो क्या है आपका, मध्यम मार्ग है, तो इसमें तप की अति हुई क्या, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, दोनों जो है वेदों को स्वीकारते थे, ये तो गलत हो गया। ये नास्तिक थे, दोनों के दोनों क्या थे, नास्तिक थे, तो ये तो गलत हो गया। याद रखना कि वेदों में जो आस्था नहीं रखते वो नास्तिक, और बौद्ध और जैन दोनों के दोनों नास्तिक थे, वेदों को नहीं स्वीकारते थे। फिर कर्मकांडों की फलता का निषेध किया, हाँ बिल्कुल, ये कर्मकांड का निषेध करते थे, मना करते थे। फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब मना करते थे, अहिंसा पर बल देते थे, बिल्कुल। तो ये सत्य है। तो दो तीन और चार सत्य है, तो तीन और चार कहां लिखा है, ये डी में लिखा है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा इसमें, डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। स्थूल भद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। स्थूल दक्षिण भारत में तो जैन धर्म का हुआ, लेकिन स्थूल भद्र के में नहीं, भद्रबाहु के में। तो ये तो गलत है, हमको क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है। फिर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए, नहीं, वो लोग क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, जबकि श्वेतांबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे आपके, स्थूल भद्र कर रहे थे, तो ये भी गलत। फिर प्रथम शतक या शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, बिल्कुल। खारवेल का अगर आप पढ़ेंगे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख में आपको जानकारी मिलती है कि इन्होंने जैन भिक्षुओं को भूमि दान दिया था, जैन भिक्षुओं को क्या दिया था, दान, और दान में क्या दान दिया, भूमि दान दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका संरक्षण किया था। यहां तक कि हाथी गुफा में यह भी बोला गया है कि जब इन्होंने मगध पर अभियान किया था तब वहां पर महापद्मनंद द्वारा ले गए कलिंग से जो मूर्ति थी, जैन शीतलनाथ जी की मूर्ति, उनको वापस यहां लेकर आते हैं। तो ये भी यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये सबका उल्लेख कहां मिलता है आपको, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो ये तो सत्य है। और फिर उसके बाद बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलता। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, सी सत्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है। अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े तो भारतीय इतिहास में जैसे आप शुंग वंश पढ़ेंगे तो शुंग वंश में एक शासक होते हैं भागभद्र। शुंग वंशीय शासक कौन, भागभद्र। तो भागभद्र के दरबार में एक राजदूत आएंगे, राजदूत कहां से,
यवनों के पास से, उनको भेजेंगे कौन, एंटियालकिड्स, और उनका नाम होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये आते हैं कहां, विदिशा, और विदिशा में आकर क्या करते हैं, भागवत धर्म, मतलब इनके दरबार में जाएंगे, भागवत धर्म स्वीकार करेंगे और वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करेंगे। गरुड़ स्तंभ की स्थापना करेंगे, तो गरुड़ स्तंभ का मतलब क्या, वाहक होता है ना, गरुड़ किनका, विष्णु जी का, ठीक है, और विष्णु जी मतलब क्या, भागवत धर्म। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख बोला जाता है इसे, या इसे बोला जाता है क्या, गरुड़ स्तंभ, इसे और क्या बोला जाता है, गरुड़ स्तंभ बोला जाता है, जिसको किसने स्थापित किया था, हेलियोडोरस ने। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा, पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लिखा है सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए, देखते हैं भाई क्या है। अच्छा, ये महाजनपद है और उसकी राजधानी है, महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो देखते हैं ए में तीन कहां लिखा है, ए में तीन दो जगह लिखा है, बी में फोर कहां लिखा है, एक ही जगह लिखा है, ठीक है, यहां पे। फिर उसके बाद सूरसेन की राजधानी मथुरा और अश्वक की राजधानी क्या, पोटन। तो ये बड़ा आसान था, आसान क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि जब हम तैयारी करें पूरे टॉपिक वाइज तो ये पूरा चीज आपको क्या रहे, क्लियर रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारे सामने है अर्थशास्त्र में उल्लिखित 18 तीर्थों के संदर्भ में जो युग्म पर विचार कीजिए। अब दिया समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, तो राजकीय कोषाध्यक्ष नहीं होता था, ये होता था राजस्व अधिकारी होता था, ये क्या होता था, राजस्व अधिकारी, तो ये गलत हो गया। फिर व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, जी नहीं, व्यवहारिक नहीं होता था, वो होता था प्रदेष्टा, कौन होता था, प्रदेष्टा, तो ये भी आपका गलत हो गया। और देखते हैं कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, बिल्कुल ये सत्य है, तो हमको क्या है, सही कथन चुनना है। अब दिक्कत की बात ये है, सही यहां पर है नहीं, तो हम इसको सही बना देते हैं, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो आप इसको सही करिएगा, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, लास्ट वाला। तो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था प्रदेष्टा, और जो व्यवहारिक होता है ना वो होता था किसका, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। तो इसमें आप मिस्टेक हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पर तीन बनाकर इसको सही कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई, बिल्कुल। आप पढ़ते हैं क्या होता है, मौर्य, मौर्य के बाद आता है क्या, शुंग, शुंग के बाद आता है कण्व, कण्व, और फिर आते हैं कौन, सातवाहन, ऐसा सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मौर्य में अंतिम शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं, बृहदत्त होते हैं, ठीक। इसके जो पहले शासक होते हैं उनका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग, मैं बस पुष्य लिख रहा हूं। अंतिम होते हैं कौन, देवहूति, ठीक है। यहां कौन होते हैं, वासुदेव होते हैं, ठीक। इसके जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं सुशर्मन, कौन होते हैं, सुशर्मन होते हैं, ठीक। और यहां पर होते हैं कौन, सिमुक, यहां पर पहले शासक कौन होते हैं, सिमुक। अगर बात किया जाए इनकी हत्या कौन करते हैं, ये भाई साहब करते हैं, इनकी हत्या कौन करेंगे, ये भाई साहब करेंगे, और ये इनकी हत्या, ये करेंगे इनकी हत्या। तो अब देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति, तो ये तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की, तो देवभूति की हत्या वासुदेव कर्ण ने की, ये भी सत्य है, ठीक है। और सिंहासन हथिया लिया, बिल्कुल सही। पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने कर्णवंश के अंतिम शासक, तो पुष्यभूति तो नहीं है भाई, ये सिमुक है, ठीक। तो ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आपको सही बताना है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका, एक और दो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारे सामने है चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध महान संगीति का क्या किया है, भाग लिया था। तो ऐसा तो नहीं था भाई, फाहियान का आगमन जो था वो हुआ था 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के आसपास तक, और उस समय होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय। और कनिष्क का समय अगर देखा जाए तो 78 से लेकर 144 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, माना जाता है ना। तो भाई दोनों का समय तो अलग अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और बौद्ध के प्रति विरोधी पाया, ऐसा भी नहीं था। आपको पता है कि हर्षवर्धन जो थे महायान शाखा से, महायान शाखा को मानते थे बौद्ध धर्म का, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। अब हमको बताना सही, तो भैया दोनों के दोनों क्या है आपके, गलत हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, गलत, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। तो यदि आपको मैं वापस लेकर चलूं, कहां पर वापस लेकर चलूं,
कि जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तो सिलेबस में ही मैंने क्या कर दिया था, इनका सीक्वेंस लिखा था। देखो, ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पहला और कुषाण। अब अगर प्रश्न में जाएंगे तो प्रश्न में ही आप उसको देखकर बता सकते हो कि कौन से इसका आंसर हो सकता है, कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो ईरानी, यूनानी, यवन, शक, ठीक है, तो ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पहला और कुषाण, तो यही होगा। अगर सीक्वेंस देखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईरानी, यूनानी, यवन, शक, पहलव और कुषाण, तो ये कहां दिख रहा है? ईरानी सबसे पहला होना चाहिए, तो जहां ईरानी दिख रहा है सबसे पहले वो तो ठीक है, लेकिन बाद में देखो ईरानी पहले और लास्ट वाले में दिख रहा है, फिर उसके बाद दिखना चाहिए यूनानी, तो यूनानी वहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या? नहीं, यूनानी लास्ट में दिख रहा है, तो ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा सही आपका? फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्या, निम्नलिखित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले लिखा है, गुप्त काल में फाहियान ने चंडालों का उल्लेख किया, जब आप उनकी रचना पढ़ेंगे फूकू की, जिसे द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज भी कहा जाता है, उसमें चंडालों का उल्लेख किया है। जब हम विस्तार से पढ़ते हैं क्लास में तब इसके बारे में चर्चा होती है मेंस के लिए, फिलहाल अभी इस क्लास में नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर दूसरा लिखा है, गुप्त राजाओं ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की, बिल्कुल इन्होंने की, कहा जाता है भारत में सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा इन्होंने जारी की थी, और जिन्हें गुप्त अभिलेखों में क्या बोला गया है, दिनार, तो ये भी सत्य है, दोनों के दोनों ही सत्य है। तो बताना है सही कथन कौन सा है, तो दोनों के दोनों सत्य है। इवन अगर आप पढ़ोगे फाहियान के बारे में, तो फाहियान के बारे में बोला गया है कि ये बताते हैं कि भारत के सामान्य लोग जो थे वो क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है, और बाकी और भी हैं इनके बारे में, जब हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन तो अलग से फाहियान पर ही बनाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा अगले जो क्वेश्चन है वो क्या, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेसिंह द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है, ठीक है, तो सैन्य सफलता किसके विरुद्ध, हर्षवर्धन के विरुद्ध, तो ये है एहुल प्रशस्ति में। एहुल प्रशस्ति किनका है, तो पुलकेसिन जो द्वितीय है चालुक्य वंश के, कौन से चालुक्य, तो याद रखना बदामी चालुक्य, बदामी चालुक्य, हालांकि और मैं डिटेल में जाऊंगा बाद में, ठीक, जब पुलकेसिन द्वितीय से संबंधित प्रश्न बनाऊंगा। फिलहाल अभी इतना जान लीजिएगा कि दक्षिण भारत के पहले शासक जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, इनका राजनीतिक संबंध ईरान के शासकों के साथ था, और जो इनकी दरबारी विद्वान थे रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति के एहुल प्रशस्ति से ये पता चलता है कि इन्होंने किसको परेड किया था, हर्षवर्धन को परेड किया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किनके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए या बनाए गए, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजनवी, इसका आंसर हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते थे, लेकिन याद रखिएगा गजनवी है। जब हम इस टॉपिक में आएंगे तब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे इन्होंने ये इसने संस्कृत से ये प्रभावित हुए थे। फिर बढ़ते हैं आगे, किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो गजनवी के सिक्कों पर आपने देखा क्या संस्कृत लेख लिखा हुआ है, जबकि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर आपको क्या मिलेगा, देवी लक्ष्मी का चित्र बना होगा, और जबकि दूसरी तरफ क्या लिखा होगा नागरी लिपि में, मोहम्मद बिन साम लिखा होगा, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो कब किसके समय, तो ये जो समय था बलबन का समय नहीं था, फिरोज शाह का समय नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं था, ये समय जो था वो इल्तुतमिश के समय था। इल्तुतमिश ये कहानी है, ठीक है, क्या होता है इल्तुतमिश ने तो अपना संबंध तोड़ दिया था गजनी से, तो यहां पर जलालुद्दीन मांगबरनी, मांगबरनी एक शासक होते हैं, मांगबरनी, इनको मारने के लिए, इनसे लड़ने के लिए मंगोल शासक कौन होते हैं, चंगेज खान, कहां जाते हैं तुर्क तक जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब अपनी जान बचाने के लिए कहां भाग आते हैं, सिंध तक, और इस समय भारत में इल्तुतमिश का समय चल रहा था, ठीक है, इल्तुतमिश का समय चल रहा था, तो इल्तुतमिश ने देखा कि अगर मैं इसको बचाने के लिए आगे बढ़ूंगा तो ये जो चंगेज खान है ना, चंगेज खान, ये इनसे उलझना पड़ेगा, तो बेटर है मैं अपने आप को यहीं पर सुरक्षित रखूं, तो ये समकालीन किसके हैं याद रखना, इल्तुतमिश के, कौन, चंगेज खान, ठीक। बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, तो भाई देख लेते हैं शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक उत्तर भारत में इस समय तक बाबर आ चुके थे। कुतुब मीनार का निर्माण, अब कुतुब मीनार का निर्माण अगर बात करें तो 1506 से लेकर 1510 के बीच में प्रारंभ हुआ था ऐबक के समय। फिर उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन, तो पुर्तगालियों का आगमन होता है वास्को डी गामा, याद होगा 1498। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, तो देखिए मृत्यु का डेट एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा आप लोग को, लेकिन मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप क्या करना, तुगलक वंश का शासनकाल लिख सकते हो यहाँ पर, तुगलक वंश का क्या लिख सकते हो, शासनकाल, तो ये ना 1320 से स्टार्ट होकर 1414 में चलता है,
मुझे पूरा तुगलक वंश याद था, लेकिन अगर बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई है तो शायद 1389 में हुई है, ईसवी में। ठीक है, तो भाई कार अगर मुझे पूरा तुगलक वंश पता है तो आप ऐसे लिख के देखो, तो सबसे पहले कौन, दो आना चाहिए, तो दो कहां कहां पर आ रहा है, ऊपर पहले दो में आ रहा है, फिर उसके बाद का समय किसका है, फिरोज शाह तुगलक का है, तो अब क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए, चार भी है, फिर क्या होना चाहिए आपका, तीन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, तीन, और तीन के बाद क्या होना चाहिए, एक, तो आपका आंसर ए ही है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे देखे कूट में सही, तो आपको बताना है कौन, अच्छा भक्ति संत ना, ये कौन थे, भक्ति संत थे और उनका व्यवसाय था, तो देखना है कबीरदास जी के बारे में अच्छे से पता है ये क्या थे आपके, जुलाहा थे, वही रविदास जी के बारे में पता है ये चमार जाति से थे और ये मोची थे, सेन जी के बारे में बोला जाता है कि ये क्या थे, नाई थे, सेन नाई, और नामदेव के बारे में बोला जाता है ये क्या थे, दर्जे थे, तो ए का क्या होना चाहिए, तीन, ए में तीन कहाँ दिख रहा है, ये दो में, बी का क्या होना चाहिए, टू, तो बी का टू यहाँ दिख रहा है, फिर सी का क्या होना चाहिए, फोर, तो ये है आपका आंसर। ठीक, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न यूरोपीय शक्तियों के ने भारतीय व्यापारों में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है भाई, किया, इन्होंने तो प्रवेश किया था, अब लिखा क्या है, निम्न कूट के आधार पर प्रवेश का सही तिथि, तो ऐसा कुछ याद रखेगा, पी डी बी डी एफ एस, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये डेनिस, और ये क्या है, फ्रांसीसी, और ये स्वीडिस, तो हमको फ्रांस से मतलब है, स्वीडिस को उतना कुछ काम नहीं है, तो देखना है पुर्तगाली दिया हुआ है, तो कौन कौन सा है, देखो सबसे पहले कौन आना चाहिए, पुर्तगाल, मतलब फोर आना चाहिए, ये प्रवेश क्रम है याद रखना ना, स्थापना क्रम नहीं पूछा अपने को, पूछा है प्रवेश का सही क्रम, अगर स्थापना क्रम होता तो इन दोनों को आप उल्टा करके लिखते हैं, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, लेकिन भारत में पहले डच लोग पहुंचते हैं, ठीक, तो प्रवेश क्रम लिखा, तो प्रवेश क्रम को ही बताना है, फिर क्या है अपना डच, तो डच कहां लिखा है, दो में, तो दो आना चाहिए, फिर ब्रिटिश या अंग्रेज, तो वो क्या है, वन में है, और फिर है फ्रांसीसी, तो वो तीन में, तो देखो कहां पर लिखा है, 4, 2, 1, 3, तो ये आपका बी में लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अब लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जी नहीं, जनरल नहीं थे, केवल गवर्नर थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है क्या, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, तो ये सत्य है, तो सही कौन सा है, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है इसमें से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक तरफ वायसराय का नाम लिखा है और दूसरी तरफ उनके द्वारा कुछ जो नीति या कार्य किए गए हैं उनके बारे में लिखा है, तो डलहौजी के बारे में हमको पता है क्या, कि व्यवगत, जिसको हम बोलते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, तो वन में क्या होना चाहिए, डी, तो डी में वन कहां पर दिख रहा है आपको, एक तो यहां पर दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, फिर विलियम बेंटिंक जो थे सती प्रथा, तो ए में टू होना चाहिए, ठीक, ए में यहां भी टू है और ए में नहीं, तो यही वाला सही हो जाएगा, तो देखो, फिर उसके बाद रिपन, रिपन के समय, रिपन को बुलाया जाता है स्थानीय प्रशासन के पिता, स्वशासन के पिता, और कर्जन ने क्या किया था, बंगाल अभियान, तो देखो सी का फोर दिख रहा है, सी का फोर भी है, यहां भी सी का फोर है, ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया थोड़ा इसमें, ये अपना सही उत्तर है, ठीक है, जो मैंने मिलान किया है वो सही है। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि होने का कारण क्या था, अगर बात करें भारत की स्थिति ऐसी थी, ठीक है, ये अफगानिस्तान था, ये हिस्सा क्या है आपका, अफगानिस्तान, तो रशिया का जो बॉर्डर है वो क्या करता था, लगता था किससे, अफगानिस्तान से, और इधर से भी ईरान, ईरान से भी प्रवेश कर सकते थे कौन, रशिया, ठीक, तो कैसे भी करके अफगानिस्तान में अपना कब्जा या नियंत्रण चाहते थे कौन, अंग्रेज, ताकि रूसी खतरे से भारत को क्या कर सके, बचा सके, तो ये दिया हुआ है क्या, बिल्कुल बी में दिया है, यह सुनिश्चित करना कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव ना रहे, तो हमारे लिए सही कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, सही नहीं है ये बोला है ना, ठीक, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, पूरे हृदय से समर्थन
क्या किया किया गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, पहला ही लाइन हमारा गलत है, शिक्षित वर्ग जो थे इससे कोसों दूर थे। ठीक है, तो पहला ही लाइन गलत, आगे के लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हाली पद्धति क्या है। तो हाली पद्धति, या आप पढ़ेंगे क्या, और भी कई प्रकार की पद्धति हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाली दुबली इसको बोलते हैं। ठीक है, आपके सूरत वाले एरिया में फेमस रहेगा। ठीक, तो ये जो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित रहेगा। जब हम कृषक के बारे में पढ़ेंगे, कृषि एक टॉपिक आएगा भारतीय इतिहास में, तो वहां पर कृषि से संबंधित जितनी भी प्रथाएं थे, मजदूरी वाला, बंधुआ मजदूरी वाला, वो सारे वहीं पर पढ़ लेंगे, एक जगह समझा देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, एक तरफ लिखा हुआ है क्या, घटनाएं लिखा हुआ है, और एक तरफ समय लिखा हुआ है। तो रोलेट एक्ट 1919 में, नमक मार्च यह 1930 में, चौरा चौरी घटना 1922 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक, तो देखते हैं, एक का चार दो जगह दिख रहा है, फिर तीन दिख रहा है, चौरा चौरी कहाँ है, एक। तो आप देखिएगा ये वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्या है, आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, सूरत विभाजन, और इधर दिया है समय। तो सूरत विभाजन ये कैसे भूल सकते हैं आप, नहीं भूल सकते। तो A का 4 यहाँ भी है, A का 4 यहाँ भी है। फिर सांप्रदायिक निर्णय, अधिनिर्णय, मतलब ये कम्युनल अवार्ड के बोल रहे हैं ना, जो 1932 में आया है। तो 1932, तो B का 3 यहाँ भी है, B का 3 वहां भी है। सर्वदलीय सम्मेलन, तो सर्वदलीय सम्मेलन जो है आपके जो साइमन कमीशन जब आता है उसके विरोध में चालू होता है, कब, 1928 में। तो C का 2 होना चाहिए, C का 2 यहीं पर दिख रहा है। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में लिया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह था वो कंप्लीट किया, और इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं वीक में 2 वीडियो एटलीस्ट लेकर आऊंगा, जिससे क्या होगा, और मान लो हमारा जो ये श्रृंखला है 10 जो है यूनिट है हमारा खत्म हो जाए, तो मैं इस श्रृंखला को वापस से चालू करूंगा, और वीक में हम 3-3 वीडियो लेकर आएंगे, ताकि एक ही वीक में आपका क्या तैयार होगा प्राचीन, दूसरे वीक में आपका तैयार हो जाए क्या मध्य भारत का इतिहास, और लगभग 10-12 दिन में आपका आधुनिक भारत भी हम MCQ के तहत क्या करें, टॉपिक वाइज सॉल्व कर लें। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस ईयर में पूछे गए CGPSC और व्यापम दोनों के प्रश्नों का भी संग्रह मैं यहाँ पर करूंगा, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिक करने की जरूरत ना पड़े। एक आध दो वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें हम दर्शन शास्त्र के बारे में अलग से देखेंगे, जो दार्शनिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।